Assalamu alaikum. I'm Dr. Muhammad Muzammal Tahir, professor of urology. I have worked in so many institutions in Pakistan, particularly in PICOS, Kehzayad House, postgraduate medical. Now I am Rashid Latif Medical University. This is a Eurocon ka event. This has grown in the last 25 years from infancy to a big event. Initially, just it was a gathering of the between urologists and nephrologists. Now it's established as a brand of the urologists in Pakistan. Urology is no doubt. This is emerging and it is establishing. Now it is grown up to that extent that is in a few institutions normally almost shifted to the whole and the urology. Ab wahan pe to open surgery nahi hoti. Ye basically ab total jo hai wo endo urology pe chala gaya. Duniya mein bhi takriban 1% reh gayi hai jo urology hai wo 1% hi reh gayi hai jo ki open surgery hoti hai. Aur Pakistan mein bhi almost bus centers bada acha kaam kar rahe hain. They are coming up or they have the gadgetry and they have the people that have built tent. They are doing their job very nicely. ये एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड एक्सचेंज ऑफ वर्क, कौन सा इंस्टीट्यूशन कैसे कर रहा है और नई नई क्या डेवलपमेंट आ रही है. पर्टिकुलरली अब तो इसमें काफ़ी लोगों जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में फॉरेन हॉस्पिटल्स में काम करते हैं वो आते हैं और दे एक्सचेंज विद देयर आइडियाज़ देयर वर्क जो उन्होंने काम किया है जो यहाँ तक वो पहुँचे हैं. दिस प्रोवाइड न्यू एवन्यूज फॉर द लोकल पीपल टू थिंक अबाउट एंड टू गो फॉर दो सब स्पेशलिटीज़. पर्टिकुलरली पाकिस्तान में भी बड़ी सब स्पेशलिटी इन यूरोलॉजी में डेवलप हो गई है. बी एंडो यूरोलॉजी लैदा हो गया है, एंड्रोलॉजी लैदा एक सब स्पेशलिटी डेवलप होती जा रही है, फंक्शनल यूरोलॉजी एक डेवलप होती जा रही है. दिस इज अ बिग इवेंट एंड बिग सक्सेस इन पाकिस्तान लास्ट 30 ईयर आई थिंक. स्पेशलिटी जिस भी इवेंट में काम करना है उसके मेहनत से काम करें, दिस इज द वेरी गुड. और लोगों की डिमांड भी है और पेशेंट भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है. पर्टिकुलरली स्टोन का पेशेंट बहुत है क्योंकि ये है स्टोन बेल्ट है पाकिस्तान. वो इसमें बड़ी एवेन्यू है, इसमें बड़े प्रोसीजर्स नए आ गए हैं, उस पर काम करें और अपने आप को एक्सेल करें. इज अ बिग गैप इन दिस स्पेशलिटी फॉर द न्यू पीपल. मरीजों के लिए से है कि ये अब ऐसी स्पेशलिटी डेवलप हो रही है कि जो जिसमें लोग हफ्तों की बजाय जो हॉस्पिटल में दाखिल रहते थे ये अब घंटों में काम होना शुरू हो गया है. सुबह आएँ अपना काम करवाएं, शाम को घर चले जाएं. तो दिस इज दी दैट टाइप स्पेशलिटी. और जो पर्टिकुलरली स्टोन में और ख़ास तौर पे जो इससे रिलेटेड जो जितना भी कुछ है वो तो अब दिनों की दिन ज़्यादा से ज़्यादा एक आध दिन रहना पड़ता है हॉस्पिटल में. और इसको दूसरा ये है कि स्टोन को लेके फिरते ना रहें, मेरा तो यही है. आएँ अपना इलाज करवाएं, एक आध दिन में फारग हों, बजाय इसके कि अपने आप को डिसफंक्शनल रखें फॉर सो मेनी डेज और अपनी तकलीफ में भी रहें.